तीन तो दिल्ली के हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रंग टोली कर रही है, और रेखा जैन जी का जो उमंग नाट्य दल है वो, और खिलौना वी.के. शर्मा का। इसके अलावा 7 दल बाहर से आ रहे हैं। संस्कार रंग टोली पिछले कई वर्षों से बाल रंगमंच को पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक राम गोपाल बजाज ने बताया कि लोगों में नाटकों की भूख बड़ी है, इसलिए रंगमंच को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हम समझते हैं कि नाटकों का उत्सव और होना चाहिए, बच्चों के लिए जगह जगह स्कूलों में, विद्यालयों में, ये सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर ना होकर के धीरे धीरे नियमित उनके लिए जगह हो, इस बात पर ध्यान खींचा जाए। संस्कार रंग टोली ने कल अब्दुल लतीफ खटाना के निर्देशन में तुलसी तुलसी नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रति बच्चों की चिंता जाहिर की गई है। कथानक की मौलिकता और उसकी भाव प्रवण प्रस्तुति ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। बुनियादी बात जो इस नाटक के अंदर ये है कि इंसान और एक वो कुदरत की चीज़ें, पेड़ पौधे, इस तरह की जानदार चीज़ें, और वो मैन मेड चीज़ें जो मशीनी चीज़ें हैं, और इन दोनों के बीच में इंसान कहाँ किसकी कमी को महसूस करता है और कब महसूस करता है, और इंसान कैसे जूझ रहा है, और ख़ास तौर से इस पोल्यूशन का और मशीनी दौर का जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर और बच्चों की ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। समारोह में अलग अलग विषयों पर नाटक दिखाए जाएंगे। इनमें कुछ नाटक बच्चों द्वारा किए गए हैं और कुछ बड़ों द्वारा, जबकि कुछ नाटकों में बच्चे और बड़े दोनों ही हैं। एक नाटक के अधिकांश कलाकार विकलांग हैं। नाट्यशाला से कांचन सोनटक के ला रही हैं, उसमें स्पेशल चिल्ड्रन, कुछ विकलांग बच्चे भी हैं, वो एक्ट करेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समारोह में प्रस्तुत नाटकों का आकलन बाद में होगा, लेकिन विषयों की विविधता और प्रयास में नवीनता की वजह से इसे लंबे समय तक याद किया जाएगा।